Nepotism is there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. At the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. अपने दिल का दर्द बयान करते सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो 3 साल पुराना है, जहां वो साफ साफ कह रहे हैं इफ़ यू विल ट्राई टू स्टॉप द टैलेंट दिस फिल्म इंडस्ट्री विल कोलैप्स, कि अगर प्रतिभाशाली लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये फिल्म इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी। तो सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 15 दिन हो गए और हर दिन इन 15 दिनों में बॉलीवुड में एक नई बहस हो रही है, एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। ये सवाल सपने टूटने के भी हैं, ये सवाल शोषण के भी हैं, ये सवाल अपने साथ हुए बाहर से आए लोगों के अन्याय के भी हैं। नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे हर रोज़ हो रहे हैं। हम आपको 15 दिन के 15 बड़े सवाल दिखा रहे हैं, जो ये रोज़ नई बहस का जन्म हुआ। नेपोटिज्म की बात हो रही है, फेवरेटिज्म की बात हो रही है, अपने साथ अन्याय की बात हो रही है, माफिया की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अलग अलग कैंप बने हुए हैं, जो आउटसाइडर्स को, बाहर से जो लोग स्ट्रगल करने आते हैं, उनको भाव नहीं दिया जाता, उनको वो जगह नहीं दी जाती, वो वैल्यू नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। तो जो आगे हम आपको ये 15 सवाल और उनके जवाब दिखाने वाले हैं, वो हमारे जवाब नहीं हैं, वो जवाब उन लोगों के हैं जो ख़ुद भी बाहर से आके, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। ये सब फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो ये 15 सवाल और ये जवाब आगे जो आप देखने वाले हैं, ये उनके जवाब हैं। फिल्म फ्लॉप हो तो क्या बॉलीवुड मुंह मोड़ लेता है? ये फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक ही रंग को पहचानता है, वो है सफलता का रंग, और एक ही स्मेल को, यानी एक ही आपके जो महक को, खुशबू को या बदबू को अवॉइड करता है, और वो है असफलता, फेल्यूर। अभी आप देखें, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, छवि है, लक है, टैलेंट है, काम करने का मादा है, एक्स फैक्टर है, अगर आप चलते जा रहे हैं और सफलता की सीढ़ियों के ऊपर आ रहे हैं, तो याद करके चलिए प्रकाश, कि ये फिल्म इंडस्ट्री या तो बेरहम है या बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सबको स्वीकार करता है, चाहे वो बिहारी बाबू या बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा हो, या पहाड़ी हमारा डैनी डेंजोंपा हो, या हमारे अपने बंगाल का हमारा प्यारा मिथुन चक्रवर्ती हो। क्या मजाक उड़ाए जाने से कलाकार का आत्मविश्वास टूट जाता है? कि हम सब लोग एक आइडेंटिटी क्राइसिस से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं, अपने घर में, फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के सामने, लोगों के सामने, अपने दोस्तों के बीच। अगर अवार्ड शो या टॉक शो के अंदर ये जो एक्टर्स हैं, इन्हें फील होता है, तो मुझे लगता है कि ये उन सब के लिए है जो लोग किसी को भी डीमीन करते हैं, चाहे वो स्कूलों में बच्चे ही क्यों ना हो, जो काली गोरी और इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशंस पे बात करते हैं आपके बारे में। इन लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। किसी की भी फैमिली के बारे में आप भरी पब्लिक में किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये इट इज जस्ट अ मजाक, और ये किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, पर उन्हीं लोगों के ऊपर जब मजाक वापस आता है तो बहुत पर्सनल हो जाते हैं। तो ये बात खुद सोच समझ कर करना चाहिए कि किसी की वजह से अबेटमेंट टू सुसाइड हो जाए या कोई आदमी मर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस क्या फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म या गैंग का कानून चलता है? ये एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं है, ये गैंगिज्म है, ये एक कार्टेल है, ये एक फेवरेटिज्म है, नेक्सस है, जो नहीं चाहता है कि इस तरह के टैलेंट पनपे और हमारे अधीन न रहे। मैं अपने बेटे के लिए नहीं बनाऊंगा तो क्या पड़ोसी के बेटे के लिए बनाऊंगा? मैं तो बनाऊंगा। ये नेपोटिज्म नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं किसी और को किसी और के साथ फिल्म ना बनाने दूं। अगर आप किसी को कास्ट कर रहे हैं और बहुत काबिल लड़का है, लेकिन मैं अपने गैंग के किसी एक एक्टर को वहां फिट करना चाहता हूं, तो मैं कहा भाई उसको निकालो, ये लड़का वहां जाए, वो गैंग इतना पावरफुल है, बाकी प्रोड्यूसर उसकी बात सुन लेते हैं। तो वो ये एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं है, ये गैंगिज्म है, ये एक कार्टेल है, ये एक फेवरेटिज्म है। क्या बाहर से आए कलाकार के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है?
पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वाज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है। 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। क्या बाहर से आए लोगों के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना संभव नहीं? क्या वाकई आज भी ऐसा है, वो डिवीजन है बरकरार के बाहर से जो लोग आते हैं उनको इससे गुजरना पड़ता है? अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ बताइए। देखिए यासर, मुझे ना ये नेपोटिज्म मतलब हमने इसका इतना हुआ अभी बना दिया, मतलब इनसाइडर आउटसाइडर की थ्योरी मुझे समझ में ही नहीं आती। आई डू फील के ग्रुप्स होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, उनमें इनसाइडर भी होते हैं आउटसाइडर भी होते हैं, लेकिन वो तो हर चीज में होते हैं, उसमें फिल्म इंडस्ट्री की। मतलब अब मैं कहीं काम करती हूँ, मेरी कहीं पे दोस्तियां बन जाएंगी, या मैं एक्टर हूँ तो या मेरा भाई डॉक्टर है वो कहेगा चल मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, तो उसमें मतलब इट्स जस्ट दैट वो एक जान पहचान होती है, उससे आपके इनिशियल जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं वो आसान हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो बड़ा पर्दा है वो डिसाइड करता है कि कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर है। बॉलीवुड में गॉडफादर हो तो क्या फिल्में आसानी से मिलती हैं? आई थिंक जल्दी हो जाता डेफिनेटली, अगर कोई आपका एक गॉडफादर टाइप कोई होता तो डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि ये इतना ही होता है ऐसे भाई कि जब आपके ऊपर कोई भरोसा दे देता ना कि ये स्क्रिप्ट है और ये किरदार है और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे, तो आई थिंक वो सबसे जरूरी चीज होती है एक एक्टर के लिए, क्योंकि वो अपने आप से तो बनाने से रहा अपने आप तो बना नहीं पाएगा, और ये कोई पहले भी दिखा देता तो शायद पहले भी हो जाता, बट ठीक है उस बात से लड़ते रहने से, ये सोचते रहने से कुछ होगा नहीं, दैट्स डन, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, अदरवाइज आप उससे स्ट्रगल करते रहोगे, लड़ते रहोगे, उड़ते रहोगे, तो आई थिंक सारी एनर्जी वहां खराब कर दोगे। क्या इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए सुशांत ने आत्महत्या की? 40 फिल्में सुशांत ने भी छोड़ी है फिल्में। अच्छा, कई फिल्में सुशांत भी तो छोड़ देते थे ना, उनको भी हक है ना चॉइस रखने का कि कौन सी फिल्म करनी है कौन सी नहीं। हर इंसान ने उनको अच्छी फिल्मों में लेने की कोशिश तो की है, कुछ फिल्में होती है कुछ फिल्में नहीं होती है, नसीब से पे नहीं है। रवि, आपके मीडिया फील्ड में है, हमारे फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, डॉक्टरी में होगा, इंजीनियरिंग में, हर जगह नेपोटिज्म है। क्या बॉलीवुड का माफिया सिर्फ एक्टर्स को ही परेशान करता है? आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है, कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है। दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूज़िकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ इसको मत गवाओ। क्या फिल्म इंडस्ट्री मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहती? मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोग बॉलीवुड तक अगर ना रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस हमें हर वॉक ऑफ लाइफ के एरिया स्पेस के बारे में बात करनी चाहिए, और इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए टाइम पर टाइम किसी काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अपने आप को चेकअप करवाएं, इसका ट्रीटमेंट करवाएं। मुझे लगता है कि हर एक आदमी एक दूसरे की मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए और ठहराया जाता है। क्या टीवी कलाकारों को बॉलीवुड में स्वीकार नहीं किया जाता? एक ऐसा इंसान जो बिहार से आया, जिसने अपनी जगह जमीन बनाई टेलीविजन पे, और टेलीविजन से एक ट्रांजिशन जो फिल्मों में माना जाता है वो बहुत कठिन माना जाता है, शाहरुख के अलावा को दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, वो उसने तय किया बाकायदा और एक 100 करोड़ क्लब में पहली ही फिल्म से आ गया, तो वो वहीं सक्सेसफुल हो गया, बड़े बैनर के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की और कामयाब रहा। क्या कोरोना और लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन में आए थे सुशांत?
लॉकडाउन जब भी आगे बढ़ता था तो अपसेट होता था, होता ना हमारा सबका रिएक्शन आता था कि अभी यार लगता है सब कल से ये अलाउड हो जाएगा जाएंगे, और फिर जैसे आता आगे बढ़ गया तो एक थोड़ा सा होता ना, लेकिन पॉजिटिव ये था कि सर हेल्थ पहले, ये बात उसकी वो थी कि सर अपन, ये मुझे भी बोलता था जैसे मेरी फैमिली को बहुत चाहता था मेरे बच्चों को कि सर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए ना तो आप प्लीज साहिर अल्फिया मैम, मेरी वाइफ को मैम बोलता था, इनको आप सख्ती रखिएगा कम से कम 15-20 दिन एक महीना के बाहर ना जाएं। क्या स्टार बनने के बाद सुशांत बदल गए थे? सक्सेस उसके सर में नहीं घुसी थी कभी लाइफ में, उसको मालूम था कि उसको क्या रास्ता अख्तियार करना है, वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरा। जब उसने पवित्र रिश्ता छोड़ा तो उसके पास टाइपोची नहीं थी, उसके पास कोई फिल्म नहीं थी, उसको आगे जाना था, उसके अंदर कुछ अलग करने की हमेशा से चाह थी। वो कभी भी जिसे कहते ना, मुझे नहीं लगता वो कोई नंबर वन रेस में कभी रहा, उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे नंबर वन होना है, और मुझे वो उसको हमेशा उस जो उसका दिल चाह उसने वो किया। डिप्रेशन को कैसे पहचाने? सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से रिलेटेड आप सुसाइड कमिट कर ले ये नहीं है, ये कोई ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सुशांत के केस में मैं सिर्फ डिप्रेशन को नहीं मानूंगी, मुझे जहां तक एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि ये एक फाउल प्ले भी रहा है। क्या बॉलीवुड में बाहरी बनाम खानदानी की लड़ाई खत्म होगी? नेपोटिज्म को हम इतना मतलब ठीक है मुद्दा है, नेपोटिज्म को हमको उतना ज़्यादा अभी, हर इंसान अपने दोस्त को फेवर तो करता ही है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, बहुत भयंकर है हमारे उसमें, लेकिन उसको हम किस तरीके से फेस करते हैं, क्या सोचते हैं, और एक पेशेंस होना चाहिए उसको फेस करने का, स्ट्रांग बनने का और उसको जवाब देने का, वो चीज़ का इंतज़ार करना ही सबसे बड़ा सक्सेस है। फिल्म इंडस्ट्री को कौन सुधारेगा? कि अगर हमने अपने आप को इस इंडस्ट्री को अगर हमने रेक्टिफाई नहीं किया, अपने व्यवहार को रेक्टिफाई नहीं किया, तो हमें आगे तैयार रहना पड़ेगा आगे और भी भयावह सवाल का जवाब देने के लिए। ABP News